हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर नॉमिनेशंस में अब आ चुकी हैं वेल जिया, और ऐसे में जिया का जल रहा है जिया। और यहाँ पर जैसे ही नॉमिनेशंस में आई जिया, वैसे ही जेड ने दिखा दिया अपने रंग, और ऐसे में अब सहारा मांग रही हैं जिया अभिषेक से। क्या कुछ हुआ है और क्या बोला है ऐसा जिया ने अभिषेक को, चलिए हम आपको पूरी खबर बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबाएं। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर जिया नॉमिनेट हो गई, और ऐसे में वो जेड जो जिया के साथ प्यार भरी बातें कर रहा था, जो ये कह रहा था कि तुम में मुझे अपनी बेटी नज़र आती है और मैं वैसा ही प्यार तुम्हें करता हूँ जैसा मैं अपनी बेटी से करता हूँ, यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। अब जैसे ही ये बात जिया ने सुनी तो जिया तो इमोशनल हो गई, लेकिन नॉमिनेशंस के रंग जैसे ही चढ़े वैसे ही जिया के सामने सच आ गया, चल गया जिया को पता कौन है अच्छा और कौन है बुरा। जिया बीती रात लाइव फीड में जिया बेड पर बैठकर अभिषेक से ये कहती हुई नजर आई कि इस जेड के असली रंग तो मेरे सामने आ गए, ये कैसा है मुझे पता चल गया। तुझे पता है नॉमिनेशंस के बाद इसने एक बार मुझसे बात तक नहीं की, और यहाँ तक कि मैं रो रही थी, मैं अपसेट थी, इसने आकर ना तो मुझसे बात करने की कोशिश की, और जब नॉमिनेशन से हम बाहर आ गए तूने आके मुझे संभाला, लेकिन इस बंदे ने एक बार आकर मुझसे नहीं पूछा व्हाट हैपेंड टू यू, आर यू ऑल राइट, नहीं उल्टा मुझे इग्नोर करके अंडे खा रहा था मजे से बैठ के। जिसके बाद यहाँ पर वो ये भी बोलती हुई नजर आई अभिषेक को कि अभिषेक मैंने एक चीज तो देख ली, इस घर के अंदर तू ही है जो एक सच्चा इंसान है, जो कुछ भी होता है तू मुंह पर बोल देता है, आगे पीछे नहीं बोलता है, आई ट्रस्ट यू ओनली। और इस जेड से तो भैया ये बहुत शाना है, जितना शरीफ बनता है ना ये उतना शरीफ है नहीं, ये जितना जमीन के ऊपर है उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे है। और देख उसके बाद रात को आकर मुझसे कह रहा है, जब पूरा दिन निकल गया सब कुछ हो गया, तो आकर पूछ रहा है आर यू ऑल राइट, आर यू ओके, वेल साला फर्जी कहीं का। दोस्तों, साफ हो गया है कि अब जिया के दिल से उतर गया है जेड, और जिया को चल गया है पता कि असली तो है सिर्फ और सिर्फ अभिषेक। आप क्या कहेंगे? वेल, आप हमें कमेंट्स में जरूर लिख कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।